पता है गाजीपुर, जहां पर सपा की विजय रथ यात्रा आज निकल रही है गाजीपुर में। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव पहुंचे यहां पर हेलीकॉप्टर से। हेलीपैड ये बनाया गया था और यहीं पर हेलीपैड और हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से निकले हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। सपा की विजय रथ यात्रा गाजीपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सपा की विजय रथ यात्रा गाजीपुर से लखनऊ जाएगी। सपा की विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की यह विजय रथ यात्रा, आपको बता दें कि जगह जगह विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है, खुद की सरकार में किए गए कार्यों को गिनवा रही है और भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनवा रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश के समर्थक यहां पर मौजूद हैं। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद, कार्यकर्ताओं ने किया अखिलेश यादव का स्वागत और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं गाजीपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। गाजीपुर से लखनऊ जाएगी विजय रथ यात्रा, यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। बॉर्डर तक सफर आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टियों में ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात में हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी और मंडियों का इसलिए बनाना जरूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाजार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को
मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है, जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की, वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय में काम करेंगे। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेस वे। ये काम बोलता का नारा दिया था उस समय, और हमें खुशी इस बात की है काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे। एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर सुखोई को काम की दोहरा रही है, जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ ओम प्रकाश राजभरी का भी धन्यवाद देता हूँ, संजय चौहान जी का धन्यवाद, जितने नेता हैं जितने और आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर गाजीपुर से अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने पूर्व